सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस के संदर्भ में जो 10 क्वेश्चन टाइप क्विज है। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे और सही विकल्प को देखकर आपको उसको टिक करना है। आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 का। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, उसके बाद उसके आंसर को देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको लग रहा है कि सही है, उसका चुनाव कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस तिथि को किया गया। आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस में तिथि से भी प्रश्न पूछता है और क्वेश्चन पूछा है कि विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस तिथि को किया गया। यहां पर तिथि पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 20 मार्च, बी ऑप्शन है 21 मार्च, सी ऑप्शन है 22 मार्च और डी ऑप्शन है 23 मार्च। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो सही जवाब है 23 मार्च, 23 मार्च को। तो चलिए बात करते हैं क्यों 23 मार्च है, आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो कि कहां पर है, कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो सबसे पहला 23 मार्च 2022 का, ध्यान दीजिएगा 23 मार्च 2022 की बात है, कहां पर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में। यह नई गैलरी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाएगी। इसके साथ ही साथ यह गैलरी जो है उन विभिन्न घटनाओं पर एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करेगी जिनके कारण देश ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की थी। यह गैलरी क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म, देश भर में इस आंदोलन के प्रसार, इस आंदोलन के साथ नेताओं के जुड़ाव, भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन, भारतीय नौसेना विद्रोह आदि को प्रदर्शित करेगी। ये प्रश्न जो है आपके मॉडर्न इंडिया का जो सिलेबस है, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो करंट अपडेट के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 23 मार्च 2022 को याद रखिएगा, 23 मार्च को काफी इंपॉर्टेंट डे है, शहीद दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी दी गई थी। 23 मार्च 2022 की बात है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रेल ग्रीन पॉइंट को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपा गया है। पहला ऑप्शन है टाटा पावर, दूसरा ऑप्शन है टेरी, तीसरा ऑप्शन है रिलायंस होंडा पावर और चौथा ऑप्शन है होंडा पावर, चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। उसका जो सही ऑप्शन है, रेल ग्रीन पॉइंट को संचालित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह सौंपी गई है टेरी को। इसका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है आइए बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने माल ग्राहकों को रेल ग्रीन पॉइंट नामक कार्बन सेविंग पॉइंट देने के लिए हाल ही में नीति दिशा निर्देश जारी किया है और यह केवल उन्हीं माल ग्राहकों के लिए लागू होगा जो माल परिचालन सूचना प्रणाली के ईआरडी पोर्टल पर पंजीकृत है। माल सेवाओं के लिए जो ग्राहक ऑनलाइन पर मांग दर्ज करेगा उसे माल यातायात के लिए भारतीय रेल को चुनने पर फौरन पॉपअप धन्यवाद संदेश मिलेगा। यह सुविधा जो दिया गया है, संचालित करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो टेरी को दिया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा टेरी जो है। इसके साथ ही साथ संदेश में जो पॉपअप प्राप्त होगा, संदेश में रेल ग्रीन पॉइंट नामक कार्बन उत्सर्जन की संभावित बचत की पूरी जानकारी मिल जाएगी और जो टेरी है उसका जो फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कैलकुलेटर विकसित एवं संशोधित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जो काम दिया गया है, ये जिम्मेदारी जो दी गई है वो किसको दिया गया है, टेरी को दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद सही ऑप्शन का चयन कीजिए। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है। आपको याद होगा जब ऑर्गेनिक खेती की बात आई थी तो उस साल भी यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, सिक्किम था कि ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम था। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले, हमेशा यूपीपीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि उस साल ऑर्गेनिक खेती की जब बात आई थी तो सिक्किम उसका ऑप्शन था, तो वो प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में उस साल पूछ दिया गया था। इस साल भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए यूपीपीसीएस के। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में कौन बना है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुनना है। इसका जो सही जवाब है वो है केरल।
केरल बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य केरल बना है। आइए बात करते हैं केरल के बारे में। आप सभी जानते हैं केरल लिंग अनुपात के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। साक्षरता के मामले में 100% साक्षरता जो है वो केरल में 100% साक्षरता है। केरल देश का प्रथम राज्य बनने के लिए तैयार है जो चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए रखे हैं। प्रथम चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी और अलुवा स्थित स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा वो राज्य है, वो राज्य केरल है। द्वितीय चरण में जो केरल के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किया जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साहब है, लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। तो किसी भी राज्य हो कम से कम उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम और उस राज्य के राज्यपाल का नाम जरूर आपको याद होना चाहिए। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के इसके पहले राज्यपाल कौन थे। आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है, लेकिन इसके पहले जो है उन्होंने मध्य प्रदेश का भी कार्यभार संभाला था राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है। ध्यान से पढ़िए, आप जानते हैं कि लाल बाल पाल त्रिगुण था, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाल मींस लाला लाजपत राय, लाजपत राय, पाल मींस विपिन चंद्र पाल, बाल मींस बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। ये तीनों लोग उग्रवाद से संबंध रखते हैं, त्रिगुट कहा जाता है इन लोगों को, लाल बाल पाल का त्रिगुट। दो गुट थे आजादी को शुरुआत के दौर के अगर फेज की बात करें हम, एक उदारवाद था एक उग्रवाद था। तो क्वेश्चन पूछा है 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है। चार ऑप्शन है आपके पास, 154वीं, 156वीं, 157वीं और 198वीं। इसका जो सही जवाब है 197वीं, 157। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को हमेशा मिला है यूपीपीसीएस की परीक्षा में। आइए बात करते हैं 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लाइन ऑफ पंजाब का खिताब भी दिया गया था। जानते भी हैं सभी लोग, पेपर में पूछता भी है, क्योंकि लाला लाजपत राय का जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति के सदस्य थे। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लाइन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया था। तो सारे डायमेंशंस मैंने आपको दे दिए हैं, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर देने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाइन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, किसे खिताब दिया गया, ये सारा क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे गए। तो याद होगा कि जब साइमन कमीशन का विरोध करना था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लाहौर में साइमन कमीशन में विरोध के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया लाला लाजपत राय पे, जिसके कारण जो है 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था, ठीक है। साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वह सब के सब अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी सदस्य, 7 सदस्य थे, सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसी का विरोध चल रहा था, नारा भी चल रहा था साइमन गो बैक, 10 साल के बाद आना था लेकिन 10 साल के पहले ही आ गया था। और उसी समय जो लाहौर में साइमन कमीशन में विरोध हो रहा था, वहीं पर पुलिस लाठीचार्ज होता है, चोट लग जाती है लाला लाजपत राय साहब को और चोट के कारण उनकी मृत्यु जो है हो जाता है। बाद में भगत सिंह ने बदला भी लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए, लगातार क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें, अगला प्रश्न पूछना है पॉलिटी से रिलेटेड है। लोक निधि का अभिभावक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, लोक निधि का। चार ऑप्शन है, अभिभावक कौन है, चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति, बी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी है लोकसभा स्पीकर और डी है वित्त मंत्री। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए।
तो लोक निधि का जो अभिभावक होते हैं वो होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे हम कैग भी कहते हैं। और कैग से परीक्षा में कौन से अनुच्छेद से आते हैं, सब परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं क्यों बी सही है। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संघ और राज्यों के लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ये परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा है यूपीपीसीएस में। भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है। इसके साथ ही साथ भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुख्य होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण जो होता है राज्य के दोनों स्तरों पर होता है। इसके साथ ही साथ भारत के संविधान एवं संसद विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभालने की इसकी जिम्मेदारी होती है। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक रोल होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। तो ध्यान से पढ़िएगा किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी पूछा जाता है। क्या सिर्फ केंद्र का देखता है कि राज्य का देखता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। छठवां प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है? उच्च सदन होती है। लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन होती है, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए है विधि विधेयक के संबंध में, ऑप्शन बी है साधारण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, और ऑप्शन डी है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। तो इसका सही जो जवाब है वह है साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। आइए बात करते हैं, ये प्रश्न जो है कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक और साधारण उपचार है। इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसके अनुसार जब किसी विषय पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, दोनों सदनों में लोकसभा में और राज्यसभा में मतभेद होता है तो इसे पारित करना संभव नहीं हो पाता है, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए, नाराजगी को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या जी क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आप भी आ जाइए लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले, आप भी आ जाइए। और साधारण विधेयक के लिए ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाता कौन है? गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, और साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। ऐसे विधि विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती जो धन विधेयक है। प्रश्न तो आपसे सिर्फ ये पूछा था कि साधारण विधेयक के लिए बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 108, ठीक है। सातवां प्रश्न पे बात करते हैं कि अंगोरा ऊन की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? ठंड का समय भी चल रहा है, अंगोरा ऊन की बात की जा रही है। क्या बकरी से प्राप्त किया जाता है, भेड़ से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है, या इसमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है, कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। आइए बात करते हैं, ठंड का समय भी है, आप लोगों ने यूज भी किया होगा। अंगोरा ऊन की प्रजाति खरगोश से प्राप्त किया जाता है, जबकि पश्मीना ऊन की प्राप्ति जो की जाती है वो बकरी से की जाती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा है, अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश से और पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से किया जाता है। अंगोरा जो ऊन होता है काफी मुलायम होता है, क्योंकि यह ऊन खरगोश के ऊपरी मुलायम बालों से बनाया जाता है। अंगोरा फाइबर के खोखले कोर के कारण या उनकी तुलना में अधिक गर्म और हल्का, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आने वाले समय के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में जो पहले के क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसे आप लोग कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे, आठवां प्रश्न जो है, ऑपरेशन आहट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा आरंभ किया गया? कभी भी कोई ऑपरेशन होता है जरूर एक प्रश्न से दो प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में आपसे पूछता है, पूछ रहा है ऑपरेशन आहट किस संस्था द्वारा आरंभ किया गया है। चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन करना है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन जो आहट शुरुआत किया गया है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है।
आइए इसके बारे में बात करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उससे भी यूपीपीसी में प्रश्न पूछा जाता है, हर साल एक दो प्रश्न हमेशा रहते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ जुलाई 2022 के दौरान आरपीएफ ने महीने भर देशव्यापी अभियान चलाया था और आरपीएफ के ऑपरेशन आहट के तहत की जाने वाली कार्रवाई में 151 नाबालिग लड़कों, 32 नाबालिग लड़कियों, टोटल अगर दोनों जोड़ दे तो 183 नाबालिगों और 3 महिलाओं को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। विगत 5 वर्षों के दौरान आरपीएफ ने 2178 लोगों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। डेटा भी यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर डेटा दे दिया। और आपको पता होगा कि 2017 में बीजेपी चूंकि पार्टी जो है सत्ता में आई थी, तो ध्यान से देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर विगत 5 वर्षों का भी उल्लेख किया कि आरपीएफ ने चूंकि 2178 लोगों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। इसके साथ ही साथ 65,000 से अधिक बच्चों और तमाम महिलाओं और पुरुषों को बचाया तथा उन्हें सुरक्षा दिया। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न जो है यूपी स्पेशल से प्रश्न है, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। खैरवार जनजाति या खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं पाए जाते हैं? जब भी प्रश्न आए तो ये जरूर देखिए कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। कितने जनपद हैं? जनपद आपके 75 जनपद है। ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है मिर्जापुर और ऑप्शन डी है सहारनपुर। कॉमन सेंस लगाइए, ध्यान दीजिए आप लोग, देवरिया बलिया तो अगल बगल ही है। बलिया पूर्व प्रधानमंत्री का एरिया, चंद्रशेखर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, देवरिया देवराहा बाबा का मंदिर भी है वहां पे देवरिया में। 4 ऑप्शन है, सही आंसर देखिए क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है सहारनपुर, सहारनपुर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? तो खरवार जनजाति या खैरवार भी इसे कहा जाता है, खैरवार एक जनजाति से प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को उठाया भी था। जैसे थारू के बारे में पूछ देता है, थारू जनजाति कहां पाई जाती है, तो खैरवार भी कहते हैं इसे और खरवार भी कहते हैं, ठीक है? भारत में यह भी प्रश्न पूछा जाता है इसके साथ ही साथ कि भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जनजाति भारत में पाई जाती है राज्य में मध्य प्रदेश में। जबकि जाति जनजातियों के बारे में बात करते हैं, अनुसूचित जनजातियों की, लेकिन अगर हम अनुसूचित जातियों के बारे में अगर बात करते हैं, ये अलग से बता रहा हूं एक्स्ट्रा जातियों के बारे में, ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में, तो अनुसूचित जातियों के मामलों में उत्तर प्रदेश एससी, ठीक है? तो चूंकि जनजातियां के बारे में यहाँ पे पूछा है, वो भी कौन सी जनजाति, वो भी पूछा है आपसे खैरवार जनजाति से, तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देवरिया में पाए जाते हैं, बलिया में पाए जाते हैं, मिर्जापुर में पाए जाते हैं, सहारनपुर में नहीं पाए जाते, और यही आपका आंसर होगा। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं खरवार जनजाति पे। खरवार जनजाति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिले में निवास करते हैं। इन जनजाति के लोग के जो शरीर का जो बनावट होता है वो बहुत ही बहादुर होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, और तथा किसी भी शब्द का अगर ये उच्चारण करते हैं बड़ा खींच के करते हैं, ठीक है? यह हिंदू धर्म के रिवाजों का पालन करते हैं। इस जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है? गजक का आप लोगों ने खाया होगा, रेवड़ी खाई होगी, आंवला खाया होगा, आंवला का मुरब्बा खाया होगा। ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि पेठा उद्योग जो है प्रसिद्ध है पेठा उद्योग के लिए आगरा और प्रयागराज। ऑप्शन बी कह रहा है कि गजक व रेवड़ी उद्योग के लिए कानपुर कह रहा है। तीसरा सी कह रहा है आंवला चित्रकूट। और चौथा कह रहा है लकड़ी की नकाशी जो है लखनऊ में की जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, ध्यान से समझिए, अगर यूपी की परीक्षा देते हैं आप लोग, यूपी के रहने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए आगरा का पेठा तो सभी लोग खाए होंगे, पंछी पेठा, तो जहां तक लग रहा है कि बिल्कुल आपका जो सही आंसर है वो यही है, आपका पेठा उद्योग जो है आगरा और प्रयागराज है। बाकी तीनों ये जो है गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि गजक व रेवड़ी जो उद्योग है, जो रेवड़ी प्रसिद्ध है वो कानपुर का रेवड़ी नहीं प्रसिद्ध है, रेवड़ी जो प्रसिद्ध है वो है कहाँ का, लखनऊ की रेवड़ी। लखनऊ जाइए, चारबाग स्टेशन पर देखिए बस में कितना बेचते हैं। और आंवले की जो बात की गई है तो आंवला जो है चित्रकूट में नहीं है, आंवला प्रतापगढ़। बात हुई लकड़ी की नकाशी उद्योग, तो लकड़ी की नकाशी जो उद्योग है वो लखनऊ में नहीं है, वो कहां पर पाया जाता है, सहारनपुर और नगीना एक जगह है वहां पर लकड़ी की नकाशी की जाती है। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिलते हैं।
एक प्रश्न हमेशा हर साल पूछ देगा कि ताला कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है? जैसे बांसुरी उद्योग पूछ दे कहाँ का बांसुरी उद्योग प्रसिद्ध है, तो पीलीभीत का बांसुरी उद्योग प्रसिद्ध है। पत्थर के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, चित्रकूट के प्रसिद्ध है। ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर साल एक प्रश्न आता है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से एक्स्ट्रा देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें है। पेठा उद्योग आगरा और प्रयागराज में होता है। गजक व रेवड़ी उद्योग जो है लखनऊ में होता है। आंवला उद्योग प्रतापगढ़ में पाया जाता है, जबकि जो लकड़ी की नक्काशी वाली जो बात की जा रही है उद्योग सहारनपुर और नगीना में। एक प्रश्न और भी मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि जो इस साल उत्तर प्रदेश में, चूंकि इस विधानसभा में जो विधानसभा चल रहा है सत्र यूपी का, मुख्यमंत्री जी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो लोकसभा से आए, मतलब सॉरी विधानसभा से आए हैं कि विधान परिषद से आए, विधानसभा के सदस्य हैं कि विधान परिषद के सदस्य हैं। ये भी प्रश्न जो है आपको हो सकता है परीक्षा में देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके पहले, क्योंकि जब सपा की सरकार थी उस समय जो सदस्य थे अखिलेश यादव जी, वो विधान परिषद से गए थे, और इस बार योगी आदित्यनाथ जी, आदित्यनाथ जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और ये विधानसभा के सदस्य भी हैं और देश प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विधानसभा के सदस्य हैं कि विधान परिषद के सदस्य हैं। तो विधानसभा के, वर्तमान में गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और विधानसभा के सदस्य। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।